चैनल पर आपका खुश आमदीद। इस्लामियात पीपीएससी टेस्ट की तैयारी के लिए हमने इस्लामियात एडवांस की इस बुक से एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे, ताकि पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट है वो हमारा आसानी से क्लियर हो सके। जिन लोगों के पास ये बुक नहीं है या ख़रीद नहीं सकते, तो आप वीडियोस से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस्लामियात के जो एमसीक्यूज पे डेली बेसिस पे वीडियोस बनते हैं, तो वो आप देख के सर्च करके आप उससे तैयारी कर सकते हैं। तो हमने भी इस्लामियात पीपीएससी की तैयारी के लिए एक सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम 3-4 लेक्चर और भी कर चुके हैं और आगे भी इंशाल्लाह ये पूरा सिलसिला जारी रहेगा। और अब आगे एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, ताकि कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। आज का जो हमारा सेशन है, आज हमने 61 से हमने स्टार्ट करना था। तो 61 पे जो एमसीक्यूज है, कन्फ्यूशियस किस मज़हब का बानी था? कन्फ्यूशियज़म, ऑप्शन बी बुद्धमत, ऑप्शन सी जीनमत, ऑप्शन डी है पारसी। तो इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन ए। उसके बाद अगला एमसीक्यूज है, कन्फ्यूशियस के शागिर्दों की तहरीर करदा कुतब कौन सी उनकी कुतब हैं? ए, ऑप्शन ए है शॉकनिंग और शीकिंग, ऑप्शन बी है ची और हाइकिंग, ऑप्शन सी चोचिंग और डी है तमाम। तो इसका जो सही आंसर है वो है तमाम। हमारा जो अगला एमसीक्यूज है 63, किस कुतब के बारे में कन्फ्यूशियस ने कहा था कि अगर मेरी ज़िंदगी इजाज़त दे तो मैं इस किताब को पढ़ने में 50 साल सर्व कर दूँ? ए चोचन, बी लीची, सी बाइकिंग, डी शीकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी बाइकिंग, क्योंकि ये चाइनीज़ अल्फाज हैं तो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है इसको पढ़ने में। अगला हमारा एमसीक्यूज है, सिख मज़हब की बुनियाद किसने रखी? ऑप्शन ए बाबा साहब, ऑप्शन बी बाबा गुरु नानक, ऑप्शन सी रंजीत सिंह, ऑप्शन डी गर्नेज सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बाबा गुरु नानक। अगला जो हमारा एमसीक्यूज है, बाबा गुरु नानक पाकिस्तानी सूबे ज़िला शेखुपुरा के किस इलाके में पैदा हुए? ऑप्शन ए टलूनंडी ननकाना, ऑप्शन बी बलूनंडी, ऑप्शन सी मर्दान, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। हमारा जो अगला एमसीक्यूज है वो है, बाबा गुरु नानक कब पैदा हुए? ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1469, ऑप्शन बी 15 मई 1469, ऑप्शन सी 15 जून 1469 या ऑप्शन डी 15 जुलाई 1469। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 15 अप्रैल 1469। अगला एमसीक्यूज है, इस्लाम से कबल ईरानियों का मजहब कौन सा था? ऑप्शन ए जीनिज़म, ऑप्शन बी जरतश्त, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी बुद्धिज़्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जरतश्त। आगे हमारा 68 एमसीक्यूज है, जरतश्त किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी चांद और सितारे, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी आग। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी आग। 69 ऑप्शन है, जरतश्त मजहब का बानी था? ए ज़ोरोस्ट, बी नारायण, सी कन्फ्यूशियस, डी कोई नहीं। तो इसका जो बानी है वो है ज़ोरोस्ट, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त आंसर है। हमारा अगला एमसीक्यूज है, जरतश्त मज़हब बाद में किस मज़हब में मदघम हो गया? ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी ईसाइत, ऑप्शन सी बुद्धिज़्म,
ऑप्शन डी हिंदू मत। तो इसका जो सही आंसर है वो है पारसी, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त आंसर है। अगला जो हमारा MCQs है, इस मजहब की निशानदेही करें जिसमें शराब की ममानियत नहीं है। ऑप्शन ए ज़रतुश्त, ऑप्शन बी ईसाइत, ऑप्शन सी यहूदियत, ऑप्शन डी तमा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ज़रतुश्त। हमारा अगला MCQs है, ज़रतुश्त मजहब की अच्छाई के देवता का नाम है। ए ज़ोरोस्ट्र, बी हरमज़, सी नारायण, डी कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हरमज़। 73 MCQs जो हमारा है, ज़रतुश्त मजहब के बुराई के देवता का क्या नाम है। ए गणेश, ऑप्शन ए गणेश, ऑप्शन बी हरमन, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो ज़रतुश्त मजहब के नज़दीक जो बुराई का देवता है वो है हरमन, यानी ऑप्शन बी क्या है इसका सही आंसर है। हमारा अगला MCQs है, मुदरजा ज़ेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। ए ज़रतुश्त मजहब ने हरमज़ देवता की लामत रोशनी है। ऑप्शन बी ज़रतुश्त मजहब ने हरमन देवता की लामत अंधेरा है। ऑप्शन सी दोनों ए और बी, और ऑप्शन डी ए ना बी। मतलब कि इनका जो दुरुस्त जवाब है वो ए और बी दोनों ही दुरुस्त हैं, तो इसलिए हमारा जो दुरुस्त आंसर है वो ऑप्शन ए ऑप्शन बी है, यानी कि इसका जो दुरुस्त आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला MCQs है, पारसियों का खसूसी त्यौहार कौन सा है। ऑप्शन ए नोरोज़, ऑप्शन बी नीआन, ऑप्शन सी मंती, ऑप्शन डी फारस। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नोरोज़। ज़रतुश्त मजहब के पैरोकार, अज़ान हो रही है तो हम अज़ान के बाद सेशन स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा सा हम ब्रेक ले लेते हैं। आई थिंक आपको भी आवाज़ आ रही होगी अज़ान की जी। अब हमारा जो अगला MCQs है, 76, ज़रतुश्त मजहब के पैरोकार अपने मर्दों के इज्साम का क्या करते हैं। ऑप्शन ए दफन कर देते हैं, ऑप्शन बी जला देते हैं, ऑप्शन सी दरिया में फेंक देते हैं ताकि मछलियाँ इन्हें खा लें, या ऑप्शन डी किसी बुलंद मुकाम पर रख देते हैं ताकि परिंदे इनका गोश्त खा लें। तो जो ज़रतुश्त मजहब के पैरोकार हैं वो क्या करते हैं कि अपने मुर्दा लोगों के जो इज्साम होते हैं उनको एक बुलंद पहाड़ यानी कि बुलंद मुकाम पर रख देते हैं ताकि परिंदे इनका गोश्त खा लें। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर हम चित्राल जाएं तो चित्राल का भी यही रवायत है कि वो अपने मुर्दों को ऐसे बुलंद मुकाम पर रख देते हैं ताकि परिंदे इनका गोश्त खा लें। तो उनमें भी जो ज़रतुश्त मज़हब के हैं कुछ उसूल पाए जाते हैं। यहूदियों का अकीदा है, ए वो अल्लाह ताला की पसंदीदा तरीन कौम है, बी वो अल्लाह ताला की औलाद हैं, सी इनका मज़हब आखिरी है, या डी वो दुनिया पर हुक्मरानी के लिए भेजे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, वो अल्लाह ताला की पसंदीदा तरीन कौम है। ऑप्शन 78 जो MCQs है वो है, इब्रानी लफ्ज़ इसराइल का मतलब क्या है। ए अल्लाह ताला का पसंदीदा तरीन, ऑप्शन बी अल्लाह का बंदा, ऑप्शन सी अल्लाह के नज़दीक तरीन, या ऑप्शन डी अल्लाह की औलाद। तो इसका जो सही आंसर है कि इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा। हमारा जो अगला MCQs है, हज़रत यकूब के इस बेटे का नाम क्या है जिनकी औलाद यहूदी है। ऑप्शन ए इसहाक, ऑप्शन बी इब्राहिम, ऑप्शन सी यहूदा, ऑप्शन डी हज़रत ईसाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी यहूदा। आज का जो हमारा आखिरी MCQs है,
वो कौन सा मज़हब है जिसमें इस्लाम के बाद तौहीद का तसव्वुर निस्बतन ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए ईसाइत, ऑप्शन बी ज़रतुश्त, ऑप्शन सी बुद्ध मत, ऑप्शन डी यहूदियत। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यहूदियत। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हुआ होगा। इंशाल्लाह इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे हर लेक्चर की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तब के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।